इस पंडाल में विराजमान जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, मान्य मंच पर आसीन परम आदरणीय वंदनीय मेरी पंच कमेटी, सभी के लिए आप ही की बेटी, आप ही के आंगन की बच्ची, आप ही के घर की बेटी राधा यादव की तरफ से हाथ जोड़कर प्यार भरी नमामि नमस्कार, राम राम जी। विद्वान श्रोताओं, सभी कलाकार बंधु बारी बारी से अपनी कला का परिचय बड़े अच्छे तरीके से देते हुए जा रहे हैं, लेकिन कमेटी से निवेदन है, किसी कहने वाले ने बड़ी सुंदर चार पंक्तियां कही है, दादाजी जीने को तो लोग जिया करते हैं, जीने को तो लोग जिया करते हैं और काम करने के नहीं है फिर भी किया करते हैं, जीने को तो लोग जिया पहले, कुछ लोग मर जाते हैं मरने से पहले, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जो मरने के बाद भी जिया करते हैं। गौर फरमाइएगा, आपके बीच में प्रसंग रहेगा मेरा महाभारत में से। एक बार भीमसेन दुर्योधन की दोनों जंघाओं को तोड़ देता है, जैसे ही जंघाओं को तोड़ा दुर्योधन रणभूमि में पड़ा हुआ है, कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है, नैनों से असुरों की धारा बह रही है, दादाजी आज फूट फूट कर रो रहा है, लेकिन जिगड़ी का झड़ सुनिएगा भैया किस प्रकार से। लिखो निलारी में सो फेरे हाथ बदन से।
सबके पे, अरे ये तो फेरे हाथ बदन सबके पे, और तुम बान ले रन खेलो, और मेरे पंचवाज वो रोवे रन भूमि में अकेलो। लेकिन दुर्योधन के रुधन को उसका मित्र सस्थामा बड़ी दूरी से बड़ी गहराई से सुन रहा है, जिगरी का ढोला आ रहा है, और भैया गौर फरमाइएगा किस प्रकार से। अरे अश्वस्थामा भैया जी तू कहा अश्वस्थामा रुधन सुन आयो रे हो कहा ए अश्वस्थामा रुधन सुन आयो रे बैठ के पास भूप हिल की से भर भर राजा।